सो टुडे आई वर्षा देख रहे हो ना होली के लिए रेडी हो रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स ने होली लगा दिया है, बट देन आई टोल्ड देम कि अभी के लिए थोड़ा देरी के लिए रुक जाओ बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर माई हेयर बिफोर गोइंग टू होली। हाँ फ्रेंड्स, होली एक रंगों का त्यौहार है, हम लोग साल में एक बार ही इसे मनाते हैं एंड दिस इज आर ट्रेडिशन, तो हम लोग जरूर खेलेंगे। बट बिफोर प्लेइंग होली आप अपने हेयर को कैसे केयर करें चलिए देखते हैं। इसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप होली खेलने के आगे अपने हेयर में अच्छी तरह से कोकोनट ऑयल का मसाज कर लें अच्छी तरह से, सो दैट योर हेयर गेट्स प्रॉपर मॉइस्चराइजर और एक कवर शील्ड मिल जाए हेयर को। इससे क्या होगा, आपका हेयर स्मूथ रहेगा, कलर गिरने कर भी आपके हेयर में वो रफनेस नहीं आएगी। हाँ बिफोर गोइंग फॉर योर प्ले आप हमेशा अपने हेयर को अच्छी तरह से ब्रेड कर लें, टाइटली ब्रेड कर लें या बन कर लें, जैसे मैं तो एक बन करने वाली हूँ, ब्यूटीफुल बिग बन सो दैट माई हेयर डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। एक अच्छा सा बन करूंगी जिससे मेरे हेयर में काफी डैमेज ना हो और मैं होली को भी इंजॉय कर सकूं। एक तरह से एक बन कर लिया और आप ऐसे एक टाइट बन या टाइट ब्रेड के साथ अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद ऐसे कर लें। अगर आप चाहें तो होली में अपने हेयर को इस तरह दुपट्टे से या स्कार्फ से अपने हेयर को अच्छी तरह से कवर कर सकते हो लाइक दिस। ट्राई करिए कि आप कलरफुल दुपट्टा या स्कार्फ यूज करो जिससे आपका हेयर कलर कवर्ड भी रहे और वो देखने में भी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लगे। दिस वे so it looks beautiful and it looks attractive even. so इस तरह आप अपने होली को enjoy कर सकते हो and I'm going to enjoy my holi a lot. long hair के लिए होली problem हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, होली है तो रंग है तो हम लोग जरूर खेलेंगे होली with beautiful long hair. तो अगर मैं खेल सकती हूँ तो आप जरूर करिए। मैंने अपने हेयर में कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज किया है जिससे मेरा हेयर प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर टेक्सचर रहेगी और ये होली के रंगों से कोई केमिकल इफेक्ट या हार्ड इफेक्ट नहीं आएगा। आप होली इस अगर आप चाहे तो अपने स्कैल्प की ये क्यूटिकल्स में वैसलीन अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके स्कैल्प में कोई भी कलर बैठे नहीं। हाँ होली खेलने के बाद क्या करें, होली खेलने के बाद अपने हेयर को अच्छी तरह से पानी से पहले वॉश कर लें। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे शैम्पू अपने हाथ पर मिनिमम लेके इससे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। शैम्पू इस तरह से अपने हैंड में मिक्स करिएगा जिससे वो एक लोफी एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हो। शैम्पू को अच्छी तरह से रब करने के बाद आप अपने हेयर में अच्छी तरह से शैम्पू करिएगा, कोशिश करिएगा एक से दो बार तक ही शैम्पू करने का। उसके बाद अच्छी तरह से हेयर को मॉइस्चराइजर के लिए आप उसमें अच्छा कंडीशनर यूज करिएगा। कंडीशनर के बाद अगर आप चाहे तो सिरम भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा आपका हेयर टेक्सचर जैसा आप चाहते हो वैसा ही रहेगा और आप सब होली भी इंजॉय कर पाओगे। तो हैप्पी होली विथ लवली लॉन्ग हेयर विथ ऑल योर ब्यूटिफुल एंड हेल्दी हेयर। कीप योर हेयर हेल्दी, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड एंजॉय ऑल द सीजन एंड ओकेजन विथ योर सेल्फ। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड आई विल बी अपडेटिंग यू एवरी डे नाउ। फ्रॉम देन बाय बाय।